हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल के लिए क्योंकि डॉक्टर बुलाए थे कि सोमवार को आइएगा, आप लोग 9 बजे के बाद रिपोर्ट मिल जाएगी, तो बुलाए हैं तो हम लोग जा रहे हैं। 10 बज रहा तो निकल रहे हैं घर से। इनको देख सकते हैं सामान रख रहे हैं। हम पानी लिया है और इसके लिए केला ले लिया है हॉस्पिटल में खाने के लिए, और एक चेकअप और कराना है तो उसका भी रिपोर्ट कुछ दिन के बाद मिलेगा। आज 4-5 रिपोर्ट मिलेगा ना, और अल्ट्रासाउंड का तो 18 तारीख को बोले ना। तो चलिए निकलते हैं हम लोग हॉस्पिटल के लिए। हम लोग पहुँच चुके हैं BHU के अंदर और जा रहे हैं हम रिपोर्ट लेने। देख सकते हैं ले लिए हैं, और मुझे यूरिन का भी टेस्ट कराना है तो डॉक्टर बोले थे आज ही होगा, तो जा रहे हैं वहाँ पे जमा कर देंगे। तो उसका रिपोर्ट तो कल मिलेगा और बाकी जितना रिपोर्ट मिलेगा आज ले लेंगे। बड़ा लंबा लाइन लगा होगा वहाँ पे। हम आए हैं यूरिन चेक कराने के लिए, यहाँ पे रसीद अभी लिए हैं देखने के लिए पैसा जमा किया है कि नहीं, उसके बाद चेकअप होगा। वहाँ पे हम रिपोर्ट लेने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, सब कहते हैं बड़ा लाइन है। तो हम अपना रिपोर्ट तो ले लिए और तुरंत ही मिल गए क्योंकि लेडीज का लाइन कम था, जेंट्स का बहुत बड़ा था लाइन। और टेस्ट का रिपोर्ट कल आएगा बोले हैं, 10 बजे के बाद आइएगा मिल जाएगा। फिलहाल घर के लिए निकल रहे हैं, घर के लिए निकल रहे थे तब तक मन किया लस्सी खाने का, और गर्मी का मौसम है तो हम यहाँ पे रुके हुए हैं, लस्सी लिए हैं और खा रहे हैं। ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है खाने में। 35 का है एक बड़ा सा लस्सी, यही दुकान है लस्सी का। तो हम लोग लस्सी तो पी लिए, अब हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। हम लोग हॉस्पिटल से घर तो आ गए, थोड़ा आराम करते हैं। इतना तेज धूप किया है कि बिल्कुल थक गए। वो तो बोलिए गए थे तुरंत रिपोर्ट मिल गया, ज्यादा टाइम नहीं लगा। तो अब शाम हो चुका है, ये देख सकते हैं क्या कर रहे हैं। आज हम दोस्त समझ सकते हैं कि लैपटॉप हम अपना निकाले हैं, देख लीजिए इतना गंदा है ना, देख लीजिए कितना गंदा है। ये हमारा लैपटॉप 2017 का ही है, 2017 का ही। जब हम यहाँ पर आए थे ना तो लैपटॉप लेकर आए थे, चार्जर गांव पर ही छूट गया था, बाइक पर ले लिए थे इस बैग में। तो ये एक बार हम आज से 1 महीना पहले एक ऊपर वाले आंटी के लड़के हैं उनसे मैं चार्जर मांगा था, चार्जर तो गांव पर छूट गया था, चार्जर मांगा था, डेल का चार्जर था वो। हमको हम समझे कि मोबाइल लेखा किसी का किसी में चार्ज लोग खोज देते हैं, लगा देते हैं, तो हम भी उनका चार्जर मांगे और अपने में लैपटॉप में लगा दिए। यहाँ पर चार्जर खोज दिए और ये शॉर्ट हो गया, तो अब हम जा रहे हैं इसे बनवाने, देखते हैं कितना लगता है। 2017 का है, एकदम पुराना मॉडल, खरीदे थे उस समय 19,900 का। स्वाति देख लो, जब कंप्यूटर क्लास कर रहे थे हाँ, तो ये पूरा गंदा हो गया। देखिए इसको ला के ऊपर रेक पे रख दिए थे, वहां पे कोई इससे मतलब ही नहीं था, पूरा धूल धूल बैठ के गंदा हो गया है। तो अब जा रहे हैं दोस्त इसे बनवाने। लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं ना, जैसे हम एक दो लोगों से पूछे तो लोग बोल रहे हैं कि ये कम वोल्टेज का चार्जर लैपटॉप को हाई वोल्टेज वाले से तुम लगा दिए हो इसीलिए ये शॉर्ट हो गया है। पता ना क्या हुआ है। अब जा रहे हैं दुकान पर, बनवाएंगे कंप्यूटर के दुकान पर। चलो स्वाति चला जाए। हम लोग रेडी होके निकल रहे हैं मार्केट के लिए, इनका जो लैपटॉप बनाना था वो भी बनवा लेंगे, और कुछ कपड़े भी ये फट गए हैं उसको सिलवाना है, रखा हुआ था, और सब्जी उब्जी भी ले लेंगे हरा सब्जी। तो चलिए निकलते हैं हम लोग मार्केट के लिए, शाम को निकल रहे हैं क्योंकि धूप पड़ गया है दोपहर में, 5:30 समय हो रहा है। सबसे पहले हम जाएंगे पता है लैपटॉप बनवाने अपना। आ चुके हैं दुकान पे अपने लैपटॉप बनवाने, और सकते हैं ये लैपटॉप लेके अंदर गए भी हैं बनवाने के लिए। यही लैपटॉप है दोस्त, इसमें टूट गया है, कहाँ तो बोल रहे हैं ना, हाँ तो ये टूट गया है आज चार्ज लेने वाला, तो इसमें 700 रुपये खर्चा है, तो भैया को हम दे दे रहे हैं और कल 1 बजे आना होगा मुझे ये लेने के लिए। तो अभी हो नहीं पाएगा, कल आना पड़ेगा, बोले हैं कुछ टाइम लगेगा बनाने में, तब तक हम लोग चलते हैं सब्जी वब्जी जो लेना है ले लेते हैं। बाइक किधर लगा दे, इधर उधर लोग आ चुके हैं मार्केट में, और अपना जो कपड़ा सिलवाना था वो जा रहे हैं सिलवाने टेलर को दे देने। ये देख सकते हैं मार्केट है, यही मार्केट है, इसको गुमटी मार्केट बोलते हैं, और दर्जी को देखते हैं कहीं।
तो चलिए पहले देख के दुकान कपड़ा दे देते हैं सिलने के लिए, उसके बाद कुछ करेंगे। दोस्तों हम कपड़े तो दे दिए सिलने के लिए, यहाँ से हम सब्जी ले रहे हैं। एक करेला है 10 रुपया पाव है और टमाटर है 10 रुपया के आधा के जी। 10 का हम करेला ले रहे हैं, 10 का टमाटर ले रहे हैं। सब्जी तो 20 रुपये का ले लिए, अब हम लोग जा रहे हैं कपड़ा जहाँ सिलाने के लिए दिए हैं वो भी सिल गया होगा तो वहाँ से ले लेते हैं। हम आ गए हैं उस दुकान पे जहाँ पे हम लोग कपड़ा दिए हैं सिलने के लिए, देख सकते हैं। और तो सिला गया है, एक सिल रहे हैं वो, मेरा कुर्ती था और इनका 2 ट्राउजर। और मेरा भी सिला गया है और इसमें जो है ना चैन चैन खराब हो गया था तो चैन लगा दिया है, तो मेरा हो गया देख सकते हैं 2 वो था और उसका 1 सिलाई हो रहा है। तो हम लोग कपड़ा लेके तो आ गए और हम लोग से सिलाई कितना ले लिए हैं? 170 रुपया सिलाई ले लिया है, मतलब गजब। हमारे गांव में जहाँ 170 रुपया लगा है ना तो 50 रुपये के अंदर हो जाता। हाँ 50-60 रुपये में हो जाता। यहाँ पे सिलाई बहुत ज्यादा है, मत पूछिए कि कितना ज्यादा है। हमको सिलाई आता है लेकिन मशीन नहीं है तो कर नहीं सकते। हम लोग सोचे ज्यादा से ज्यादा 70-80 रुपये लेंगे। हाँ, हाँ। और इतना ज्यादा बस कुछ नहीं था, इनका एक पैंट में चैन लगाना था और थोड़ा सा सिलना था जहाँ चैन लगता है, और एक में हल्का सा सिलाई वो हो गया था तो उसको सिलना था। मेरा कुर्ती में साइड में चलाना था तो कुर्ती का, और जिसमें एक ट्राउजर में लगाना था बस सिलाई चलाना था उसका 50-50 लिए, और जिसमें चैन और सिलाई दोनों करना था उसका 70 लिए। इसको लूर है लेकिन मशीन नहीं है। देखते हैं, हम देखेंगे तो सेकेंड हैंड मशीन लेके खरीद लेंगे देख के, क्योंकि इतना पैसा दे के हम सिलाई नहीं करवा सकते। क्या और यहाँ पे ब्लाउज का सिलाई 200 बता रहे हैं, और गाँव पर गाँव में वही ब्लाउज हमको 25-30 रुपये में सिलाई होता है। देखो उठ रहा है, इसीलिए हम सोच रहे हैं मशीन लेना जरूरी है। आप लोगों के पास होगा ना तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, अगर बनारस के होंगे, अगर आपके पास सेकेंड हैंड मशीन हो, अगर आप बेचना चाहते हैं तो स्वाति से संपर्क कीजिए, हम लोग से हम लोग खरीद लेंगे। हाँ, और नहीं होगा तो हम भी अपने यही बिजनेस चालू कर देंगे, ये दुकान चलाएंगे, हम सिलाई का काम करेंगे घर पे रह के। आराम करने के बाद हम आ गए हैं किचन में और अपना खाना बनाने का तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं बनाने वाले हैं पटल और आलू का दम सब्जी। खाना का तैयारी कर दिए हैं और देख सकते हैं खाना बना भी रहे हैं। ये देखिए हम चावल यहाँ पर बैठा दिए हैं और यहाँ सब्जी में भी पानी डाल दिए हैं, हमारा सब्जी भी उबल रहा है। और यहाँ पे श्रेया आई है रूम में, हम लोग बैठे हुए हैं बातचीत भी कर रहे हैं और खाना भी बना रहे हैं। ये देखिए सब्जी चावल नींबू सलाद बना कर दिए हमको। ये हम दम बना है आलू और परवल का, हम लोग के गांव में इसको दम बोला जाता है ना। परवल आलू शादी ब्याह में हम अधिकांश खाए हैं परवल आलू का सब्जी, एकदम मस्त बनाई, एकदम शादी ब्याह वाला फीलिंग आ रहा है। थैंक यू। दोस्तों हम लोग खाना तो खा लिए और देख सकते हैं हम अपना दूध भी ले लिए हैं पीने के लिए, फिलहाल हम जा रहे हैं दूध पीने। तो दोस्तों यही रही आज की वीडियो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट बाय।